हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी स्टाइल डेज। आज के मेरे वीडियो में मैं आप सभी के साथ फेमिसर्ग सिरप के बारे में रिव्यू करूंगी। काफ़ी अच्छी सिरप है और अगर आपके पीरियड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है, आपके पीरियड्स टाइम पे नहीं आते, पीरियड्स के दौरान आपको थकान रहती है, कमजोरी रहती है, पीरियड्स कम आते हैं, पीरियड्स ज़्यादा आते हैं, तीन तीन महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम्स रहती है तो आप इस सिरप को यूज़ कर सकती हैं। तो इसी के बारे में डिटेल से बताऊँगी, इसे कैसे लेना है और ये हमारे लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद है, इसी के बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, साथ में बेल बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो स्टार्ट। सो गाइस, हम सभी जानते हैं कि इस टाइप की जो सिरप होती है वो पीरियड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं के लिए ली जाती है। अगर पीरियड के दौरान आपके बहुत ज़्यादा कमर में दर्द रहता है, थकान रहती है, कमजोरी रहती है, अनिद्रा की स्थिति रहती है, आपका मूड ख़राब रहता है, कुछ टाइम आपका मूड अच्छा रहा फिर आपका मूड ख़राब हो गया, इस टाइप की अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आपके साथ भी होती है तो आप इस सिरप को ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी सिरप है, 185 रुपीज़ इसकी प्राइस है। 185 रुपीज़ में 200 ml की ये क्वान्टिटी है। तो ये सिरप काफ़ी बेस्ट है। मोस्टली आपने देखा टीनेजर्स गर्ल्स में पीरियड को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं, उनके जब स्टार्टिंग में पीरियड्स स्टार्ट होते हैं तब तो उनके पीरियड्स कंटिन्यू रहते हैं, पर 2 या 3 महीने के बाद उनके पीरियड से लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं और अचानक उनके इस तरीके की ब्लीडिंग आने से वो बहुत ज़्यादा ही टेंशन करने लगती है, तनाव की स्थिति में आ जाती है, थकान रहने लग जाती है। अगर आप चाहती हैं कि सभी प्रॉब्लम्स आपके साथ नहीं हो, आपके पीरियड्स हंसते हुए निकले, पीरियड्स के दौरान आपके कोई भी पेट में दर्द नहीं हो, तो आप इस टाइप की सिरप को आज ही से लेना स्टार्ट कर दीजिए। ये सिरप पीरियड्स में होने वाले पेन को कम करती है, साथ ही हमारे मूड को अच्छा रखती है। सो गाइस, जैसे ही हमारे पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं हमारा मूड अपने आप चेंज हो जाता है, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है। अगर आप चाहती हैं उनकी तरह हमारे पीरियड्स के दिन भी कंटिन्यू रहे तो इस सिरप को आपको 3 मंथ तक कंटिन्यू लेना है। इनका 3 मंथ का कोर्स होता है, वो कोर्स करना आपको कंपलसरी है। यूँ नहीं कि आपने इस सिरप को 15 दिन लिया फिर आपने छोड़ दिया और आपके पीरियड 6 महीने से नहीं आ रहे, तो ऐसे में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अगर आप चाहती हैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो तो इस सिरप को आपको 3 मंथ तक कंटिन्यू लेना है और इसे आपको मॉर्निंग में जब भी आप खाना खा लेती हैं उसके बाद लेना है और नाइट में जब भी आप डिनर कर लेती हैं डिनर करने के बाद आपको इस सिरप को लेना है और कम से कम 3 मंथ तक लेना है। साथ ही इन सिरप को लेते हुए कुछ परहेज होते हैं जो आपको करना कंपलसरी है। जैसा आपको तीखे मसालेदार भोजन नहीं करना है, आपको दूध नहीं लेना है, दही नहीं खाना है, अचार नहीं खाना है, क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक सिरप है। ये अगर आप इन सिरप को लेते हुए ये सब चीज़ें खाएंगे तो इसका जो प्रभाव है वो आपकी बॉडी पर नहीं मिलेगा और ये आयरन की सिरप है। तो हो सकता है जब भी आप इस सिरप को लेंगे आपको 1 से 2 दिन घबराहट होगा, जी मछली करेगा, बेचैनी होगा, इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, बट जैसे जैसे आप इसे लेंगी आपकी सभी प्रॉब्लम्स नॉर्मल हो जाएगी। और इस सिरप को आपको जितने आप सिरप ले रही हैं उसके अकॉर्डिंग पानी में मिक्स करके लेना है। अगर आप 10 ml सिरप ले रही हैं तो 10 ml पानी को मिक्स करके ही आपको इस सिरप को लेना है, जिससे ये आपकी बॉडी में अच्छे से लगे और अच्छे से आपको इसके प्रभाव मिले। साथ ही अगर आपको पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स नहीं है बट आप बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही हैं तो भी आप इस सिरप को ले सकते हैं। एंड नॉर्मल डेज में भी अगर आपके बहुत ज़्यादा कमर में दर्द रहता है, थकान रहती है, कमजोरी रहती है, ऐसी बहुत सी स्थिति रहती है तो भी आप इस सिरप को लीजिए। अगर आपके बॉडी में आयरन की कमी है, जो कि एक एनीमिक कमी हमारी बॉडी में बहुत बड़ी मानी जाती है, एनीमिक कमी की वजह से हम बच्चा कंसीव करने में भी आपको आके प्रॉब्लम होगी। अगर अभी आप अनमैरिड हैं तो अभी तो आपका चल जाएगा, बट जैसे आप मैरिड होगी तो आपको आगे काफ़ी प्रॉब्लम होगी। उसी ये PCOD की प्रॉब्लम है तो भी आप इस सिरप को लीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और भी सिरप पे मैं काफ़ी वीडियो बना चुकी हूँ तो आप वो वीडियो भी चेक करना मत भूलिएगा। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप यू गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया, और इससे रिलेटेड कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप डायरेक्ट कमेंट्स करके